जय साथियों, आपके लिए मध्य प्रदेश इंदौर की को नई भर्तियां पर लेकर आ चुके हैं। ये जो भर्ती आपकी निकाली गई आईआईटी इंदौर में आपकी रहेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती रहने वाली। दोस्तों यहां पर यदि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है, बीए हो, बीएससी हो या बीसी हो या एमएससी, इनमें से कोई भी आपके पास होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे इसके जो आवेदन है ऑनलाइन आपको करना पड़ेंगे, और इसकी मैं लाइव ड्यूटी बात करूँ दोस्तों तो 26 नवंबर तक आप लोगों को आवेदन करना है ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से ऑनलाइन करना है, कहाँ से करना है नोटिफिकेशन डाउनलोड। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए क्लिक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की वैकेंसी की जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। आप लोग करोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पल पल की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, और यहाँ पे हमने कल, चलिए हम चलते हैं पोर्टल पर। पहले आपको कहाँ से करना डाउनलोड, आप लोग यहाँ पर आ जाओगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की वेबसाइट पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कैरियर ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको आपको दिख रहा होगा कैरियर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए नॉन टीचिंग क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग नॉन टीचिंग क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। आप लोग अप्लाई यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और जो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक करोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड, आप लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप लोग ये निर्देश आपको पढ़ लेना है, और यहाँ से आपको क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग करना सिंकअप। जैसे ही सिंकअप करोगे यहाँ पे आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करोगे और फिर आप लोगों को फॉर्म है, आप लोग यहाँ फॉर्म आप लोग भर लेना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और ये नोटिफिकेशन हमने कर लिए डाउनलोड। देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दोस्तों 4 नंबर को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ था आप लोगों का, और आपकी जो भर्ती रहेगी नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्टिंग आपकी होनी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में आपकी होनी है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी रहने वाली है। तो पहली रहेगी सीनियर इंजीनियर की पद रहेगा आप लोगों का, 1 पोस्ट निकाली गई है, और उसका जो पे लेवल रहेगा 44,900 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा स्टाफ नर्स का रहने वाला है, 2 पोस्ट निकाली गई है, पे लेवल है आपका 44,900 रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट की रहेगी, यहाँ पर टोटल आपकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं, इसकी 3 पोस्ट हैं, और यहाँ पर इसका जो पे लेवल रहेगा 35,400 रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन का रहेगा सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं, आपका जो पे लेवल है 3,500 रहेगा, ठीक है, 35,400 के आसपास रहने वाला है। इसके पश्चात जूनियर असिस्टेंट का देखोगे तो 1 पोस्ट निकाली गई है, पे लेवल आपका 25,500 रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट का रहेगा, 1 पोस्ट निकाली गई है, आपका पे लेवल ये रहने वाला है 25,500। आप लोगों को ऑनलाइन करना पड़ेंगे 26 नवंबर, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी 26 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं इनकी ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। ऑनलाइन करने का लिंक दे देंगे। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन, देखिए जो रहेगा आपका यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीनियर इंजीनियर वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 पोस्ट है, आपके पास बैचलर डिग्री है वो भी किस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, ठीक है ना, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स की, बीएससी दोस्तों मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ संबंधित क्षेत्र में, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और सभी की जो एज है इसकी जो 40 वर्ष एज रखी गई है, ठीक है, इसकी भी यहाँ पर 40 वर्ष एज, ठीक है, एज बहुत यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट का पद रहेगा, बैचलर डिग्री मांग गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, और 40 वर्ष एज से मांग गई है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट का पद रहने वाला है, आपने वीटेक एमएससी एमसीए किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो संबंधित क्षेत्र में, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, 40 वर्ष एज रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट का पद रहने वाला है, 1 पोस्ट था, बैचलर डिग्री किया हो आपने किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा, तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, 35 वर्ष एज इसमें रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट का रहने वाला है, आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो इंजीनियर में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये आपके पास बीएससी या बीएस, ठीक है ना, या वीसी कंप्यूटर में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लोग यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो ये 35 वर्ष इसमें रखी गई है, ठीक है, तो आपके पास ये होगा तो आप लोग यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फीस की बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, तो
तो जो ओबीसी वाले रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले रहेंगे, उनको 300 रुपये फिल करना पड़ेंगे, ठीक है। अदर रहेंगे जो जनरल वालों को 500 रुपये देना पड़ेंगे, और SC ST, ठीक है, और जो महिला फीमेल रहेंगे कैंडिडेट, उनके यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जो आप रहेंगे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे आप लोग, उन डॉक्यूमेंट जो फोटो कॉपी भी अपलोड करना पड़ेंगे, और उन फोटो कॉपी पर आपको सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को करना पड़ेंगे, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड आपके वहाँ अपलोड होना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, पूरा निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर रहने वाला है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, इसका लिंक दे देंगे नोटिफिकेशन का वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लस अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।